यूपी की रायबरेली नगर पालिका परिषद में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वार्ड नंबर 26 की सभासद पूनम तिवारी ने भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया। पूनम तिवारी ने बताया कि पिछले 5 सालों से नगर पालिका परिषद में भ्रष्टाचार हो रहा है। बिना टेंडर के अरबों के काम हो चुके हैं। पूनम तिवारी ने कोरोना दवा पीपीई किट खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तिवारी ने कहा कि 10 माह के भीतर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नाम पर 5 करोड़ रुपए की बंदरबांट की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों के दौरान 5,29,77,30,732 रुपए का बजट खर्च किया गया, लेकिन उसके बाद भी शहर में सड़क नाली सब जर्जर है। उन्होंने नगर पालिका कर्मचारियों के आय से अधिक संपत्ति की जांच कराने की मांग की है। वार्ता हमने आपके माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए, प्रशासन तक पहुंचाने के लिए, ऊपर तक पहुंचाने के लिए मैंने प्रेसवार्ता रखी है। नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए और स्वकर मनमानी ढंग से जो लागू किया गया है, इसमें बोर्ड बैठक में सभी सभासदों ने सर्वसम्मत से पुराना बजट चालू करने की सहमति प्रदान की है। इसके बावजूद भी तानाशाही रवैये से नगर पालिका टैक्स बढ़ा रही है, इस विषय में मैंने प्रेसवार्ता की है। अगर जो आपकी मांग है नहीं मानी जाती तो आगे आप क्या करें? अभी मैंने अपनी मांग रखी है कि स्वकर पूरे बोर्ड बैठक में सभी सम्मानित सभासदों द्वारा जो पास किया गया है, अगर इसकी मनमानी नहीं होगी तो इसके लिए हम जन आंदोलन करेंगे और नगर पालिका सामने धरना देंगे।